जिलाध्यक्ष के बाद अब विधायकों के साथ होगी सीएम की बैठक। पीसीसी अध्यक्ष की मौजूदगी में विधायकों के साथ सीएम बघेल करेंगे चर्चा। स्थानीय क्षेत्रों में नए कृषि बिल पर आंदोलन की बनेगी रणनीति। विधायकों को भी सौंपा जाएगा जिम्मा। और अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे, क्या कुछ खास? सुप्रिया, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो आपको बताया, रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कृषि बिल के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। कृषि बिल के विरोध में रणनीति बनाएगी। विधायकों को भी नई चीजें उनके साथ डिस्कस की जाएंगी। आपको बता दें, विधायकों के साथ रणनीति जो है बनाई जाएगी। आज रायपुर से खबर आपको बता रहे, पीसीसी अध्यक्ष की मौजूदगी में विधायकों के साथ चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। स्थानीय क्षेत्रों में नए कृषि बिल पर आंदोलन की रणनीति बनेगी। विधायकों को भी सौंपा जाएगा जिम्मा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कृषि बिल के विरोध में रणनीति बनेगी। पीसीसी अध्यक्ष की मौजूदगी में विधायकों के साथ चर्चा करेंगे भूपेश बघेल और नए कृषि बिल के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। विधायकों के साथ ये रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल आज विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आज विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। बैठक में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें बैठक ली जाएगी और इसके साथ ही बैठक में ये निर्देश दिए जाएंगे कि कृषि बिल को जो है किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण तबके में जो और भी स्लम एरिया से वहां पर पहुंचा सके, किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि किस तरीके से ये कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। प्रदेश सरकार ये है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की जाती है और यदि कृषि कानून लागू हो जाता है तो किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी भी कर रही है। उसे लेकर के कल देर रात कांग्रेस भवन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी के आने की कार्यक्रम की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। पहला कार्यक्रम राहुल गांधी का पंजाब में बनेगा, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं और किसानों के साथ जो है वो नेतृत्व भी करेंगे। तो तमाम जो योजनाएं हैं वो बनाई जा रही है। लगातार बैठकों का दौर चलता ही रहा है और आज भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों के साथ बैठक ले रहे हैं और विधायकों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि कृषि कानून जो है उसके जो मायने हैं वो आम जनता को, किसानों को समझाया जाए ताकि इस विरोध में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है वो शामिल हो सके। और कल से कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चला जा रही है। कल 2 अक्टूबर है, कल से महात्मा गांधी की जयंती है और इसी दिन जो है कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा और इसके माध्यम से तमाम जो किसान है उनसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा और इसके बाद फिर दिल्ली कूच करने की भी तैयारी जो है वो कांग्रेस की बन रही है। जी, क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि योजनाएं काफी सारी आप कह रहे हैं, राहुल गांधी भी आने वाले हैं और उनका कार्यक्रम है, क्या कब तक डेट का कुछ ऐलान किया गया है, कुछ इस बारे में संकेत, और क्या कुछ बड़ी सौगात लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को मिल सकती है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी आ रहे हैं इसकी संभावनाएं बन रही है, लेकिन इसे लेकर के तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। ऐसा खुद ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हमें कहा है और इसके साथ ही राहुल गांधी के आने के साथ ही ये रणनीति बनाई जा रही है कि कृषि कानून किस तरीके से आम जनता, किसानों तक ये पहुंचाया जाए। क्योंकि अचानक ये होता है कि केंद्र की जो बातें हैं, जो कानून है, वो किसानों को कोई मतलब नहीं रहता है। किसान सिर्फ अपनी खेती किसानी से ही मतलब रखते हैं। तो इसे लेकर के किसानों को भी महत्व इनका समझाया जाएगा कि कृषि कानून
अगर लागू होता है तो छत्तीसगढ़ में किसानों को क्या नुकसान होगा, इसे लेकर के भी किसानों को जो है वो समझाया जाएगा, ताकि ये मजबूर कर दे कि केंद्र सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। तो इसी तरीके से चरणबद्ध आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है और इसके साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र में बुलाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो कर रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र अभी बुला सकती है। अगर शीतकालीन सत्र के पहले यदि कृषि कानून को लागू करने को लेकर छत्तीसगढ़ में यदि दबाव बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष सत्र भी बुला सकते हैं और राज्य में एक नया कानून भी जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी जो कवायद है वो चल रही है, विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी, राय ली जाएगी, उसके बाद ही ये जो कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो तमाम जो हथकंडे है वो अपनाए जा रहे हैं ताकि ये कानून जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू ना हो पाए। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, जिला अध्यक्षों विधायकों को समझाइश दी जा रही है कि किस तरीके से उन्हें आगे आने वाले दिनों में रणनीति तय करनी है। 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन भी है तो राजीव गांधी में मंच बनाया जाएगा। मंच बनाने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रत्येक मंच में जो है 100 किसानों को सम्मिलित किया जाएगा, तो तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुप्रिया।